करोड़ की लागत में। वो ऑटोमेटिक, क्या बात है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू गो इनसाइड द फेमस ट्रेन 18। कोच हैज टू, सो ड्राइवर से बात कर सकते हैं आपका। अरे वाह, अपने आप खुल रही है। सो गाइस अब आप देखेंगे ट्रेन 18 का कैबिन, इट इज बेटर देन द एयरक्राफ्ट कैबिन। पूरा जहाज है, जहाज, ये देखो लिटरली इट्स सो गुड। मतलब इतनी ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है ना। फर्क क्या है, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, कितना सारा स्पेस है। सी बैठ के देख, बेटा बैठ के देख, ये देखो। ओ भाई साहब, मैं तो एक बंदा लटा दूं यहाँ पे ऐसे ऐसे। सो दिस इज अ, ये मतलब हर कोच की पेंट्री उसी कोच में, हर कोच की पेंट्री। इसी कोच की, इसी में रहेगा सामान, ऊपर गरम ठंडा जो भी है, नीचे खाने का ट्रे वे सब। आए मुझे आप पहले पैसेंजर, आप क्या बोलना चाहेंगे? इट्स वेरी कंफर्टेबल, और खासकर जो एजेड लोग हैं उनके लिए बहुत बचाया ये। अच्छा है ना, पीछे बैक में जो कर्व का ध्यान रखा गया है वो भी रखा गया है, प्लस सीट में जो आपकी ये कुशन है, ये वाला एयरक्राफ्ट वाली सीट्स की तरह ही है। दे टोल्ड अस कि जो कंजेस्टेड है ये कंफर्टेबल है। मटेरियल वगैरह है पापा, वो जो एयरक्राफ्ट की कंपनी बनाती है वहीं से, स्पेन से ही बन के आया। अरे वाह, बंद करो एक बार ये सर्विस करने के लिए। अरे वाह, पॉकेट दिया हुआ है। अरे वाह, तो पूरा जहाज ही बना दिया पूरा। और ये बॉटल वगैरह रखने के लिए तो फुट रेस्ट है। अरे वाह, बंद है अभी, टच बेस्ड है, बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनी है। वो टच पापा, टच बेस है। हाँ टच, टच है, टच है। हाँ एक्चुअली ना पापा ये मेटालिक है तो आपके शरीर से पकड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, हल्का सा कुछ वह फंडा होगा। ग्लास विंडोज में व्यू भी कितना अच्छा आएगा। और ये देखो यहाँ पे भी कैमरे हैं, कैबिन में भी कैमरे लगे हुए। और ये तो देखो, ये देखो कर्टेन्स। अरे वाह, यू फील प्राउड एक्चुअली। यार मैं भी तो बैठ के देखूं जरा, इतनी तारीफ हो रही है जो। वाओ, पायलट साहब को मिली गया सीट, कैसे नहीं मिला? रिक्लाइनिंग कैसे ऐसे, तो ये पकड़ गया पहले आप, फिर आप ये, ओ आगे पीछे होती है ऐसे कार में होता है, ये पकड़ के अच्छा गया। पीछे का पैसेंजर, पीछे वाला का खाना गिर जाता है। रिक्लाइनिंग में ना वो दिक्कत होती है, मुझे लगता है क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि ये रिक्लाइनिंग है कि नहीं। ये वीडियो देखकर लोग समझ जाएंगे कि कैसे ऑपरेट करना है बेसिकली, क्योंकि हमें अगर 5 मिनट लग गए तो लोगों को भी लगेंगे। हर सीट का मोबाइल चार्जिंग है, ब्लैक कलर के नीचे जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट है। अच्छा ये हाँ, तो बिना मोबाइल के आजकल चलता हूँ ना, सबको चाहिए होता है, तो हर सीट के लिए मोबाइल चार्जिंग है। मोबाइल चार्जिंग के कोई लड़ाई नहीं करेगा भाई, ठीक है। इट्स लाइक प्रीमियम सीट्स, फैमिली अगर है आज सामने, आमने सामने बैठे, यहाँ पे अपना खाना लगा के, ट्रे लगा के पिकनिक। वाह, ये भी खुल जाता है पिकनिक। अरे वाह, पूरा स्पेस है इंडियंस के हिसाब से, पूरा स्पेस है, जितना लगेज लेना कैरी कर, बड़ा लगेज भी आ जाएगा। ट्रेन की सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो विदाउट टिकट यही ट्रेवल करते हो। तो ये आपको दिखा दो लैब कैसी है। सर वाटर फ्री है ना लैब अपनी? वाटर नहीं है ना इसमें, बायो फ्लश, वैक्यूम फ्लश, एयरक्राफ्ट वाली भी। बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया यार, यहाँ देखिए पूरा वैक्यूम सिस्टम लगा है। यहाँ पे बोलते हैं कि स्मोक डिटेक्टर भी है, क्योंकि अगर आप सिगरेट पियेंगे तो ये स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है। तो बहुत लोग जो नशेड़ी होते हैं जो ट्रेन में यहाँ पे मजे करते हैं। कोच में जो ट्रांजिशन है एक कोच से दूसरे कोच, बहुत ही ज्यादा सीमलेस है। तो मैं खड़ा हूँ इस तरफ, मानस खड़े कोच के उस तरफ, और सीमलेस ट्रांजिशन है इनको, जो जीरो कोच का डिवाइडर उसको कवर कर दिया गया, और बाहर से आपको दिखा था कैसा होता है। ये जो कोचेस को ज्वाइन किया गया ये भी टर्बुलेंस कम होता है, इसको फ्लश किया गया, और अंदर से पता ही नहीं चलता, झटके भी कम आए और अंदर से पता ही नहीं चलता कि आपका केबिन पास हो गया। ये सेंसर वाले, अरे वाह, इससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। वाह, अपनी जो नॉर्मल ट्रेन है वो ऊपर करना पड़ता है उसको। अब उसमें ऊपर का नॉर्मल ट्रेन में तो साइड से पानी गिरता है उसमें, एक साइड में वेस्टर्न एक साइड में इंडियन है। स्टेशन पे, स्टेशन को चारों तरफ से बंद करेंगे जैसे एयरपोर्ट पे होता है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? हाँ सिक्योरिटी। सो जब आपको एक दो घंटे पहले ही आना पड़ेगा उसके। तो ट्रेन 18 में जो ट्रैवल करेंगे उसको कम से कम, ये नहीं कि हमारी तरह नहीं कि बस ट्रेन चालू होने वाली 5 मिनट पहले आ गए। नॉट फॉर ट्रेन 18 ओनली, बट ये सब क्लीन होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेन 18 के, जिसकी की सीट्स रिवॉल्विंग है वो दिखाएंगे आपको। सो दिस इज अ वॉशरूम ऑक्यूपेंसी, अगर खाली होगा तो ग्रीन हो जाएगा। हर कोच के लिए अलग से डस्टबिन, अलग से डस्टबिन है, कूड़ा इधर नहीं फेंकेगा, कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, मूंगफली खा के यहीं फेंकेंगे सब लोग, कोच में कोई नहीं फेंकेगा। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव क्लास। नॉर्मल क्लास में कॉन्फ़िगरेशन थी तीन सीटें, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 2 सीटें और 2 सीटें। कैसा है आपका रिव्यू एग्जीक्यूटिव क्लास? बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास। लेकिन जो सर्विस क्लास लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बिजनेस क्लास में?
उसमें सीट में नीचे था, सीट में नीचे था, उसमें ये आगे ये रिक्लाइन कर सकते। इसका जो सिस्टम है पहले यहाँ पकड़ के, या तो ये है ना ऐसे, ये एक सिस्टम ये हो गया, और दूसरा सिस्टम है अच्छा मैकेनिकल है वो नहीं, पापा कह रहे ट्रेन का डायरेक्शन जहाँ होगा ना वहाँ घूम जाएंगी सीटें। ये आपको चेंज करना है या फिर सर्फ करना चाहिए? अरे वाह, अरे वाह भाई साहब, ये देखो यार ये होती है ट्रेन। ओ हो, ओ हो, तो भाई साहब अगर पीछे बीवी हो आगे पति हो तो